प्रेम सर है ना? यस सर। और हम हुए इनके साथ में सूरज सर, ठीक है। आपको हम फिजिकल और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो तैयारी होता है वो भी करवाएंगे, ठीक है। मतलब कि डिफेंस के लिए जो ज़रूरी होता है वो हर एक चीज़ आपको हम बताएंगे, ठीक है। माइंड में ये डाउट नहीं रखना है कि इनको कुछ नहीं आता, जो भी पूछ सकता है, ठीक है। फिजिकल को लेकर या फिर रिटर्न एग्ज़ाम को लेकर जब हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्लास, और हाँ ये क्या है, फ्री है, ठीक है, फिजिकल फ्री है, लेकिन जब कम्पिटिटिव का तैयारी होगा उसके लिए मात्र 100 रुपये चार्ज बोले, है ना ये सब तो पता होगा, ठीक है। और जो भी बच्चा आना चाहता है, ठीक है, अगल बगल आस पड़ोस जो भी है उसको यही बोलना कि बाबू सब कुछ फ्री है, ठीक है, और चलो साथ में चलो प्रैक्टिस करो, कुछ करना है कुछ बनना है। अरे यार रोड में इसी तरह बाइक चला के जो मर जाता है उससे तो बढ़िया है ना कि फ्री में मिल भी तो रहा कम से कम कुछ करने को, ठीक है। और बहुत जगह तुम जाओगे यही सब चीज़ करने के लिए तो वहाँ पर 6,000 रुपये मंथली चार्ज लगता है, ठीक है, ये सब भी पता कर सकते हो तुम, ऐसा बात नहीं। तो हम चाहते यही है कि जो भी गरीब बच्चा जो भी है सबको एक साथ लाओ, ठीक है, प्रैक्टिस स्टार्ट करो, कुछ बनो, कुछ करो, ठीक है, घर के लिए कुछ करो, ठीक है, अपने आप के लिए कुछ करो, ठीक है, अगल में जो अगल बगल आस पड़ोस जो भी है तुम पर थोड़ा गर्व करे कि अरे यार चलो अच्छा कर रहा था, ऐसे ही टहलता होगा तो बोलता होगा कि अरे दिन भर तो भटकते रहता है यार कुछ करता कहाँ, ठीक है। लेकिन अगर प्रोफेशनली अगर तुम कोई चीज़ में ध्यान दे देगा, फोकस कर देगा ना उस पर, तो अगला बोलेगा नहीं चलो कुछ तो कर रहा है, है ना, कुछ तो कर रहा है। तो प्रैक्टिस स्टार्ट होगा, ठीक है, जल्द होगा। तो यहाँ पर तो फिलहाल अभी ज़्यादा तो कैंडिडेट है नहीं, ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा, बाकी इन्फॉर्म करेंगे हम आएंगे साथ में, ठीक है। देखो हम लोग का मकसद क्या है, ठीक है, पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है। अगर पैसा कमाना होता तो हम बहुत तरह का काम कर सकते थे और हम पैसा कमा सकते थे, लेकिन हम लोग सुरुफ है। देखो गरीबी मजबूरी अलाचारी वही समझता है जो अपना ज़िंदगी में उस चीज़ को फील करता है, देखता है, ठीक है। आसिफ भी है, हम लोग खुद एनसीसी किया है, तो हम लोग पता है भाई कैसे कैसे करके हम लोग एनसीसी करने आते थे, और एनसीसी करके भी क्या फ़ायदा वो कोई पता है, ठीक है। आज पैसा खर्च करके भी आदमी आता तो थे, लेकिन क्या मिला, लाख में सर्टिफिकेट नहीं मिला, लाख में आदमी पास नहीं कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग को ऐसा लायक बना दें, ठीक है। हमने बोले तुम्हें सब आओ, जिसका दिल में है हमको कुछ करना है, फौज में भर्ती होना, टाइम पास करना, लड़कीबाजी करना, देखेंगे टाइम पास करेंगे, मज़ा करेंगे, इस चीज़ के लिए आना चाहता है तो मत आना, कोई दिक्कत नहीं। हम 5 लाख कराएंगे, मेरा मोटिव क्या बोले, ज़्यादा से ज़्यादा को फौज में भर्ती कराना। अगर तुम 5 को नौकरी ले लेगा कि छोटा बच्चा देखो भी आया, उसका मन में होगा भाई हम करेंगे अभी प्रैक्टिस करेंगे, चलो घर में आराम से बैठ सकते होता, लेकिन सब मन में करना है। तो स्टार्टिंग से अगर तुम्हारा मोटिव रहेगा ना कुछ करना है, तुम जरूर कुछ करेंगे। हम लोग को गाइड नहीं मिला था कि हम लोग क्या करना चाहिए, कैसे दौड़ना चाहिए, नहीं मिला। लेकिन ज़िंदगी हम ये नहीं बोलते कि हम बहुत बड़ा नेशनल प्लेयर है, ठीक है, हम क्या है हमको पता है, ठीक है। लेकिन जो इंसान ज़िंदगी से सीखता है ना वो बहुत बहुत बड़ा बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखो कि हम लोग बताएं फिर कि आपको फिजिकल भी करवाएंगे और रिटर्न भी करवाएंगे, इसका कारण क्यों है। फिजिकल तो आदमी दो बनाया दौड़ लिया, हफ्ता कहाँ रिटर्न में, अब तुम्हारा रिटर्न ही नहीं रहेगा, तुमको हम फ्री में करवाएंगे क्या करेंगे, है कोई फायदा, कोई फायदा नहीं, रिटर्न में लटक जाएगा। फिर बोलेगा अरे यार झूठे वहाँ दौड़ते थे फलाना नौकरी नहीं हुआ। हम यहाँ पीछे बताएं कि मोटिव है नौकरी दिलाना, उसके लिए तुमको रिटर्न करना ही पड़ेगा। अब तुमको लगता है भैया तो पैसा ले रहे हैं 4 रुपया, 4 रुपये में तो बहुत हो जाएगा, 4 रुपया अगर एक दिन अगर अभी आए ना गाड़ी से उसका रेट 800-700 रुपये तुम्हारा लग जाएगा आने गाड़ी, ठीक है। हम इसलिए 4 रुपया ले रहे हैं कि जो मेंटेनेंस चार्ज होगा मान लो मेरा लग जाता है, ठीक है, मान लो हम आए भाड़ा तो हमको खुद से ही पे करना पड़ेगा, पता ही मेरा यूट्यूब चैनल है, तो पर डे जैसे वीक में 3 दिन क्लास है तो 3 दिन का वीडियो बनेगा, ठीक है, तो उससे जो मेरा अर्निंग आएगा उससे मेरा भाड़ा वगैरह मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को बैठाएंगे जहाँ बैठा रहे हैं बोर्ड में बता रहे हैं उसका तो खर्च लगेगा ना, इससे बोर्ड पे लिख रहा है तो मार्कर एक दिन 2 दिन खर्चा हो जाएगा, उसके लिए तो ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा चीज़ जहाँ सब कुछ फ्री रहता है ना, आदमी सोचता है बड़का फ्री तो है, तो कुछ अमाउंट ऐसा रखना चाहिए जो अगला को लगे कि हाँ हम पे कर रहे हैं तो दिल से करें, तो फ्री वाला भी आ जाएगा क्या रोड में आया देखा थोड़ा चल गया, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं, इसको 100 रुपीज़ देना है, जैसे फिजिकल खत्म आपका हो जाता है, ठीक है। अब बहुत को बोले भैया हमको तो काम रहता है, हम तो 8 बजे जाएंगे 9 बजे चल जाएंगे, ठीक है, 6 बजे जाएंगे तो भाई 5 बजे हम चल जाएंगे, तो ऐसा नहीं। आप लोग जिसका टाइम है कि भैया हम यहाँ 6 बजे हम आपको टाइम दे दें कि 6 बजे जाएंगे, 6 बजे क्लास मेरा यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, तो तुमको समझ लो मान लो 2 घंटा फिजिकल चला, उसका 1 घंटा मान लो रिटर्न चला, मतलब 9 बजे, तो तुम एक प्रॉक समझ के आओ कि हमको 10 बजे तक हमको छुट्टी मिलेगी, उसके बाद तुमको जो काम करना है उसका हमको कोई मतलब नहीं, तुम लोहा ढो जो काम करना। बहुत पर वहाँ भी हम लोग क्लास है तो वहाँ पे बोलता है कि भैया हमको 9 बजे जाना है, भैया मत आइए, जब तुमको कामें करना तुम कामें करो, तैयारी कहाँ के लिए,
अब तुम जाएगा वहाँ पर झोला ढोएगा, फिर आएगा यहाँ खट पाएगा? नहीं खट पाएगा। तो जहाँ भी करना, जो भी फील्ड में करना, एक जगह करना। दूसरा चीज़ क्या चाहिए है कि हम लोग स्पोर्ट्स का भी तैयारी करवाएंगे। मान लो कि एक बार हम लोग ट्रायल लिए, मान लो आसिफ है अच्छा कर लिया, तो इसको हम स्पॉन्सर भी करेंगे, ठीक है? अगर अच्छा कर रहा है भाई, अच्छा कर रहा है, कभी प्रोटीन हमारे तरफ से प्रोटीन को दे दिए, कभी अच्छा को टी शर्ट प्रोवाइड करवा दें, आगे जैसे बढ़ता है तो हमारा भी तो नाम होगा ना कि आसिफ यहाँ पर अच्छा मेडल मार रहा है। कुछ हुआ तो भैया कुछ अच्छा मेडल मार के नेशनल में आया, तो वो अच्छा से गाड़ी उड़ी बुक करा के मारा पहना के एकदम रैली चलेगा कि हाँ इस अकाडमी का बच्चा जो है ऐसा अचीवमेंट लाया, आदमी देखे हाँ भाई अच्छा काम किया, ठीक है? पैसा का यहाँ पे मत सोच के आना कि हाँ भैया पैसा के लिए। हाँ ये भी हम बोलते हैं जो उसके लिए सक्षम नहीं है कि भैया हम 100 रुपया भी नहीं दे सकते, वो भी तुमको डायरेक्ट बोल सकता है भैया हम 100 रुपया के भी लायक नहीं है। लेकिन हम यही बोलना चाहेंगे कि जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है उसके 100 रुपया कोई बड़ा बात नहीं, 100 रुपया गुटका तुम लोग खाने वाला भी गुटका खा जाता है, खाता है कि नहीं? बोल खाने वाला खाता है। वो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो हमारा देखो मंडे से क्लास हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे मंडे में दिन अच्छा करने है कोई है। हम जब कराते हैं तो दिन से कराते हैं कोई भी चीज़, ठीक है? इनको तो देखो वीडियो में जहाँ देखो तुम लोग सोचा ना पैसा तो ले नहीं रहे हैं, पता क्या ले रहे हैं तुम लोग से? तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा डेडिकेशन, कितना तुम दिल से करना चाहते हैं, पैसा नहीं ले रहे। आने के लिए कोई भी टीचर फ्री में तैयार नहीं होगा, ये जान लेना। लेकिन हम लोग क्या है ना, हम लोग देख लिए हैं पीछे, अब आगे हम लोग देखना है और आगे लेके भी चलना है। इसलिए हम लोग ऐसा बना रहे हैं कि अगला को हम दे सके, ठीक है? तो सबकी हर माफ कर, ट्यूशन करने जाएगा तो तुम्हारा कोई भी 100 रुपये हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग सब कुछ कर रहे हैं भाई, हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना कि अगला जो बंदा है पढ़ाता कुछ बोलिए भैया, हम लोग ऐसा संस्था चला रहे हैं जहाँ लगा लोग करवाना, आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ऐसा इंटरेस्टेड बंदा कि हाँ फर्म कर देंगे। अच्छा, तुम लोग के लिए अभी बढ़िया चीज़ क्या है कि नेवी का एयरफोर्स का सुन रहे फिर से रैली आने वाला है, ठीक है? अभी हाल फिलहाल में आ ही जाएगा दिसंबर, जो आर्मी का रैली दौड़ने वाला है उसका भी अपडेट आने ही वाला होगा। अगर 2-3 महीना बढ़िया से अगर तैयारी कर लेगा तो उसका आर्मी का रैली भी सामने है। और अपना मर्जी से जो तैयारी करते हो क्या होता है, आता 2-4 चक्कर दौड़ा चल गया, लेकिन कोई अगर कोच करवाता है तो उसका प्रेशर से आदमी करता है क्या भाई, उसके वजह से करता है कि हाँ ये करवाना है तो हम करेंगे, ठीक है? और जो अपना मर्जी से आता है करता है, ठीक है? मैथ क्लास, जीके क्लास, इंग्लिश क्लास, सब कुछ मिलेगा, सारा हो जाएगा। तुम्हारा रिटर्न का भी तैयारी हो जाएगा, कोई सोचा नहीं होगा कि हमको 100 रुपये में कोई पढ़ाएगा। स्पोर्ट्स के लिए भी तुम्हारा यहां पर सिलेक्शन होगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन हाँ कुछ बनना है बस ये सोच के आना, जिसको कुछ बनना है भाई वही सोच के आना, ठीक है? यस सर, हम लोग टाइम पास करने के लिए अगर यहां पर चलते रहना, जो आएगा भी साथ में उसको बोल देना कि जा रहा है तो तुम कुछ करना तबे चलो, नहीं तो मत जाओ। सबके पास फॉर्म है ना, ठीक है? यस सर, फॉर्म नहीं मिला हम पता अभी सब अपना पैसा लगा रहे हैं अपने ठीक करके, भैया आप पैसा दे दीजिए, अगला दिन केला खिलाना था, केला खिलाना कोई बड़ा काम नहीं है सबको। जैसा तुम लोग हो सकता है, तुम लोग ज्यादा ही बेकार हो, ठीक है? तुम लोग ज्यादा ही बेकार, लेकिन कहते हैं ना एक हौसला कि नहीं कुछ करना है खुद के लिए, तो पहले दुनिया में सब जीता है, किसी और के लिए जीना, ठीक है ना? ये सोच के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तुम लोग 6 बजे तुम लोग पहुँच जाना, 6:30 बजे क्लास यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? रिटर्न अभी हम लोग नहीं करवाएंगे, इसीलिए रिटर्न करवाएंगे क्योंकि अभी दो कोरोना का स्थिति जहाँ बैठेंगे आज चला है। अच्छा हाँ, तो इसका रिटर्न का अगर कुछ करना है तो टेलीग्राम चल रहा है चलन, ठीक है? टेलीग्राम में पढ़ते हैं, ज्वाइन कर लो, पीडीएफ दे दिया जाता है, उसका टेस्ट भी हो जाता है 8 बजे ऑनलाइन में, तुमको बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाएगा, अभी तुम लोग टेस्ट भी लेंगे ऐसा तुम लोग पढ़ाई कर रहा है, कुछ करना है तो आजकल क्या आना ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन में कन्वर्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ से उसके लिए, ठीक है? तो तुम लोगों को ड्रेस कोड क्या रहेगा, तुम देखा वीडियो देखता है ना तुम लोग, व्हाइट वाला, हाँ सर, ठीक है? कोई भी व्हाइट टी शर्ट पहन लेना या तो फिर वो बाबूराव वाला कम दाम में अगर नहीं पैसा हो पाएगा तो, ठीक है? उस तरह पहन लेना और हाफ पैंट कोई पहन के मंडे को आना, ठीक है? एक दिन आप तुम लोग को समझ में आ जाएगा, अब देखो तो सब बहुत तो नया भी है, बहुत पुराना है तो सबको मिल जाएगा, खटाना पड़ेगा, मतलब खटा दिया अगला दिन बोले बहुत खटा दिया भाई अगर आ रहे हैं, ठीक है? तो मंडे से आना है और फिर अभी बोल देना है, डेडिकेशन हो मन में, करने का शौक हो तभी आना। अगर तुम सोच रहे हैं यहाँ टाइम पास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो भाई आने की जरूरत नहीं। मेरा 5 लाख करेगा ना, हम 5 लाख करके हम ये खुश रहेंगे, ठीक है? लेकिन टाइम पास करने वाला क्या फ़ायदा है, कुछ फायदा नहीं। अब देखो 30-35 वो फॉर्म तो जमा कर दिया, आज कॉल किए तो आ नहीं पाया, क्या करेगा वो आदमी, कुछ नहीं करेगा, है ना? तो जिसका जज्बा होता है, जो करने का दिल रहता वही आदमी आता, बहुत देखो ये लोग हमको फ़ोन कर रहा है भैया कब करिए कब की, इसको दिल है अंदर से करने का तब ना वो कर रहा है। जी सर, अब अगर किसी को मैंने ना ये कहा भर दो ना कहा जा रहा है मेरे पास, जी सर, वो थोड़े आएगा।